हम लोग जानेंगे भारत में कितने बंदरगाह हैं और बंदरगाह किसे कहते हैं। माल या सामानों का आयात और निर्यात जहाँ से होता है जहाज़ों के माध्यम से उसे कहते हैं बंदरगाह। भारत में 13 बंदरगाह हैं। पहला बंदरगाह है कांडला, कांडला कांडला बंदरगाह। दूसरा है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। फिर महाराष्ट्र में पड़ता है नवा सेवा बंदरगाह, जिसे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। बंदर गा जिसे पत्न भी कहते हैं, या पत्न इन्हें कहते हैं सी पोर्ट। भारत में गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है मुंबई, तीसरा है नवा सेवा। इसे पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं। फिर गोवा में एक है मार्ग गोवा। कर्नाटक में है मंगलुरु, मंगलुरु बंदरगाह। केरल में है कोची बंदरगाह। तमिलनाडु में है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह। तूती कोरिन बंदरगाह। एक है एन्नौर एक है विशाखापत्तनम बंदरगाह। उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह, इसे कोलकाता के नाम से भी जानते हैं या हल्दिया बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। एक है अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जिसे इसका नाम चेंज हो जाएगा श्री विजयपुरम। अभी नाम तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब राजधानी चेंज हुई तो बंदरगाह का नाम भी चेंज हो सकता है, श्री विजयपुरम। इसे बच्चों हम गिनती करते हैं, पहला कौन है कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा नवासेवा, चौथा मार्मगोवा, पांचवा मंगलौर, छठवां कोची, सातवां तूतीकोरिन, आठवां चेन्नई, नवा एन्नौर, दसवां विशाखापत्तनम। 11 नंबर पे है आपका पारादीप, 12 नंबर पे है आपका हल्दिया, 13 नंबर पे है पोर्ट ब्लेयर या श्री विजयपुरम। तो यह है भारत के बंदरगाह। बंदरगाह का क्या काम होता है, किसमें हम यूज करते हैं, जैसे माल का
आयात और निर्यात, जैसे जहाजों के माध्यम से, पानी की जहाजों के माध्यम से हम सामानों को भेजते हैं किसी दूसरे देश, और वहां से माल या सामानों को मंगाते हैं।